अभी जो एक वीडियो ट्रेंड में बना हुआ है खान सर को लेकर कि उनका रियल नाम क्या है, फैजल या अमित सिंह। लेकिन इन सभी बातों के बाद, चूंकि वो एक अच्छे टीचर हैं, एक नया रिसर्च सेंटर है उनका और वो नए नए तरीके से पढ़ाने का अपनाते हैं जिससे बच्चों को आसानी समझती हैं और आज लाखों छात्रों के भविष्य निर्धारक बने हुए हैं, तो उनके जो नाम का जो एक हवा बना दिया गया है, एक छोटी मोटी बातों को जो इतना उड़ा दिया गया है, एक छोटी मोटी चीज़ों को इतना बढ़ा चढ़ा कर उन पर विभिन्न आरोप लगाए जा रहे हैं, लेकिन वो अपना नाम बताने में क्यों घुमा घुमा कर बातें करते हैं, आइए जानते हैं जी हिंदुस्तान से की गई बातचीत का कुछ अंश। मैं खान सर आपको सलाम करूं या नमस्ते करूं, क्योंकि पिछले कई दिनों से ये तमाम चीजें सोशल मीडिया पर इसके इर्द गिर्द भिड़ रही है, पहले इसका जवाब मुझे आप दे दीजिए। सर ना आप हमें सलाम कीजिए ना हमें नमस्ते कीजिए, आप हमें जय हिंद कहिए, हम इस देश के हैं, देश के लिए बोलते हैं। नहीं, देश के लिए तो आप हैं, लेकिन आपकी पहचान क्या है वो समझना बेहद जरूरी है ना। सर देखिए, हम खान मेरा टाइटल है, खान मेरा नाम नहीं है, हमने यही बोला। पूरा नाम क्या है सर? देखिए हम आपको बताते हैं, अगर आप किसी से उंगली करके उसको जबरदस्ती करके कहिएगा तुम नाम बताओ, तो उसको कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आप उसको डरा रहे हैं। हमने खुद बोला था आज से एक साल पहले कि कुछ लोगों ने कहा था आप नाम बता दो, तो उस समय लॉकडाउन चल रहा था, तो कुछ दोस्तों ने कहा कि तुम आराम से रहो ना, नाम से क्या मतलब है। तो वैसे भी हम जब क्लास स्टार्ट करते हैं तो जय हिंद बोल के आते हैं, पूरा बोल के चले जाते हैं। आप बोलिए कैसा लगेगा कि हम रुक के बोले कि मेरा नाम खान सर, हम तो नीचे लिख ही देते हैं खान सर। आप बताइए, मोदी जी का नाम मोदी है, उनका तो पूरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी है। अगर आप पूछिएगा आपका नाम मोदी है तो वो क्या कहेंगे, मोदी तो मेरा टाइटल है, नीरव मोदी भी होता है, ललित मोदी। खान सर आपका जो सारा विवाद है सोशल मीडिया पर आप देख रहे हैं, क्योंकि आप खुद बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, मेरा मकसद यही है आपसे जानने का कि आपका पूरा नाम क्या है, क्योंकि जो विवाद चल रहा है इस विवाद को आप ही खत्म कर सकते हैं। हम तो कह सकते हैं ना कि एक एक वीडियो में ना, जैसे क्या होता है कि जब लड़के पढ़ने आते हैं, जब उनका बैच खत्म होता है ना, तो वो सोचते हैं कि सर से मिल के जाएं, एक यादगार लेके जाएं, तो वो पूछते हैं सर आपका नाम क्या है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि हम शुरू से ही नाम नहीं बताए, तो एक ऑकवर्ड सा फील होता है। जैसे आज बता दीजिए सर, हम आपको बता रहे ना, हम खुद बता देते हैं, हमने खुद सोचा था अपने आप में कि मेरे जिस दिन 10 मिलियन हो जाएंगे हम बता देंगे। हर इंसान की अपनी कुछ ख्वाहिश होती है, लेकिन उससे पहले कोई तांडव कर देगा तो कोई हलक में मुंह डाल के नहीं निकलवाएगा। तो और जिनको लगता है कि मेरा नाम खान तो मैं ये समझू कि ये पॉपुलर होने का एक तरीका भी है कि 10 मिलियंस हो जाएंगे तो खान साहब इस रहस्य से पर्दा उठा देंगे कि साहब मेरा नाम अमित सिंह है या फैसल खान है या क्या है। सर आपका आप मुसलमान हैं या फिर आपका नाम जो है आप प्रूफ करेंगे तो एक इंसान होना चाहिए जो ऑथराइज हो इसके लिए। हम आपसे कहेंगे कि एक काम कीजिए, आप अपने जमीन का कागज दिखाइए, तो आप हमें नहीं ना दिखा देंगे। इसके आधार पर हम ये कहेंगे कि ये मकान आपका नहीं है, ये गलत बात है। रही बात कि मेरा नाम अमित सिंह है, तो जिनको लगता है कि मेरा नाम अमित सिंह, आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए या उस ऑथराइज पर्सन के पास जाइए, हम वहां दिखा देंगे। आपके चैनल पे हम बता रहे हैं कि 4 जून को मेरा अमेरिका में यूएस में भारतीय लोगों के लिए एक लेक्चर होने वाला है, जहां हम बताएंगे कि भारतीय लोग जो अमेरिका में बसे वो किस तरह से इस देश के काम आ सकते हैं। तो वहां से उन लोगों ने कहा कि सर यूएस एम्बेसी आपका ओरिजिनल नाम मांग रहे हैं, हमने उन्हें अपना ओरिजिनल आधार कार्ड पैन कार्ड दे दिया। एक ऑथराइज पर्सन है ना यूएस एम्बेसी। अब आप पता चलता है कि सड़क छाप कोई हमको रोक के पूछे सुनो अपना नाम बताओ, क्या हम नाम बताते चलेंगे? अब यही काम बच गया है। अच्छा, बराबरी भी तो होना चाहिए ना। अच्छा खान सर, आपका पूरा नाम क्या है, पूरा नाम क्या है ये तो बता सकते हैं आप हमारे दर्शकों को? सर हमारा खान टाइटल है, जब इतना कोई मतलब वो टॉर्चर कर देगा अभी हम बताएंगे तो आपको लगता है, पता है क्या, हम आपको एक बात बताते हैं। हाँ जी। एक मानसिकता होती है, जैसे इसराइल जब फिलिस्तीन पर हमला कर रहा था, ये सारा उसमें भी हम बात करेंगे खान साहब। नहीं नहीं, हम आपको यही बात करेंगे, क्योंकि कम से कम मुझे ये पता चल गया है नाम की ही बात को बता रहे हैं। एक मिनट सर, जैसे मेरा नाम सरफराज है, सरफराज सैफी है, मुझे दुनिया जानती है कि मेरा नाम सरफराज सैफी है, इसी तरीके से मैं यू कंफ्यूजन बना हुआ है कि आप अमित सिंह हैं या फैसल खान हैं या कोई भी हैं, आपका पूरा नाम क्या है, मैं सिर्फ आपका नाम जानना चाहता हूं, फिर मैं बातचीत शुरू करूंगा आपसे। मुझे ये नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। हम जानबूझ के ये खत्म नहीं करना चाहते ताकि इन लोगों के ऊपर से पूरा पर्दा हट जाए, जो धर्म का चोला ओढ़े हैं उनके ऊपर, जब ये लोग पूरी तरह से पूरी दुनिया में फैला देंगे कि ये अमित सिंह है
तब ना हम बताएंगे कि भैया हम ये नहीं है, अभी बता देंगे तो विवाद खत्म ही नहीं होगा। पतंग अच्छा, इसके पीछे राज क्या है? आपने बताया कि आपके 10 मिलियन फॉलोअर्स हो जाएंगे, मैं बता दूंगा कि साहब मेरा नाम ये है। हम बता देंगे, ये आपका टारगेट है? ये टारगेट नहीं, हम बच्चों से जो कहें आप बताते हैं। हम आपको एक इंसान को आप जबरदस्ती कर, हम आपसे कहेंगे कि आप जमीन का कागज दिखाइए, नहीं दिखाएंगे ना जबरदस्ती। नहीं नहीं, मैं तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ, क्योंकि हम लोगों को बातचीत करनी है। जैसे मैंने कहा कि मेरा नाम सरफराज है, आप बोलिए सरफराज सैफी आप मेरा नाम है, तो ऐसे ही आपका नाम भी होगा। आप पीटी उषा का पूरा नाम बताइए तो। क्या चीज? पीटी उषा बहुत अच्छी धावक थी, रेसर। मेरी बात सुनिए, हम लोग यहाँ आईएएस या आईपीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, यहाँ आप मेरे मेहमान हैं और मैं आपसे सिर्फ इसलिए सवाल कर रहा हूँ क्योंकि मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ। हमारा जिस दिन हम आपने बताया मेरा नाम अमित सिंह नहीं है। अच्छा, मुझे देखिए, मुझे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। मेरा सवाल ये है कि आपकी माताजी घर में होंगी, आपके पिताजी घर में होंगे, आपके बहन भाई घर में होंगे, वो आपको खानसर के नाम से पुकारते हैं या कुछ और नाम है आपका? भैया। अच्छा, भैया के नाम से पुकारते हैं। सर हम आपको बताते हैं, हम इस चीज को खुद चाहते हैं कि हम बता देना, और हम बता देंगे, बहुत जल्दी बता देंगे। अच्छा ठीक है, लेकिन खराब इतना कंफ्यूजन क्यों? इतना कंफ्यूजन क्यों? चलिए, घर वाले नहीं बता रहे, जो आपके दोस्त होंगे वो तो कुछ बोलते होंगे आपको। मेरा नाम सबको पता चला है, जो बात है बस हमको उसको बस एक्सेप्ट कर लेना है। अरे भाई, आप नहीं समझ रहे खान साहब, आप नेशनल टेलीविजन पर है, इतने बड़े शो में आपको मौका दिया जा रहा है, क्योंकि इतना सोशल मीडिया पर इतना सीन क्रिएट हो रहा है, मैं तो आपको मौका दे रहा हूं कि आप पूरी दुनिया को बताइए। पूरी दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, पूरा देश आपको देख रहा है। हम यही कह रहे हैं ना, पूरे देश को हम यही कहना चाहते हैं, जो लोग खान सर के नाम पे कल फक्र कर रहे थे, जब उन्हें अचानक पता चला कि हमने मजाक में बोला, बच्चों को हंसी मजाक में, यार छोड़ना तुम, हमको तो लोग अमित सिंह भी बुलाते हैं, तो उन लोग को हम उनके लिए कलंक हो गए। सेकुलरिज्म का पूरा मतलब बेहतरीन एग्जाम्पल दे दिया इन लोगों ने। कल तक जो हम इनके लिए मिसाल बनते थे, आज इनके लिए कलंक बन गए। आखिर ऐसा क्यों? तो हम इनकी सफाई देंगे, आप बताइए हम इनको सफाई दें? मतलब हमको आप मतलब इस तरह से तो पता चला। सर मुझे एक चीज बताइए, आपको नाम बताने में तकलीफ क्या है? आपको तो अपना नाम है जो आपके माता पिता ने रखा है, आपके नाम स्कूल में भी है, आपने ग्रेजुएशन भी किया है, आपने मास्टर भी किया है, जानते हैं वो हमारे नाम को जानते हैं। लेकिन बात यहाँ ये हो गई ना कि आप किसी को मतलब बदनाम कर दीजिएगा, कहिएगा तुम कैसे नहीं बताता है, देखते हैं कैसे नहीं बताएगा। ठीक है, ठीक है खान साहब, खान सर आप मत बताइए, मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ, आप वीडियो देखिए जरा, कि आप एक वीडियो है, उस वीडियो में आपने तिलक लगाया हुआ है, कपड़े पहने हुए हैं, जरा भगवा कपड़े पहनने के, पहले उस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद मैं आपसे बातचीत करूं। वो हमारा ही, हमने उसको देखा है। हाँ, तो उसका क्या ताल्लुक है सर? ये कपड़े पहनने से क्या हो सकते हैं? चलिए पहले वीडियो दिखा देता हूँ, मैं पहले वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए जरा वीडियो, आप भी देखिए और उसके बाद हम बातचीत करेंगे। देखिए आपको वीडियो दिख रहा है, आप शायद वीडियो देख रहे होंगे, ये वीडियो आप देखिए, ये आप ही का वीडियो है, ये दरअसल ये कंफ्यूज करता है और ये बात बार बार हो रही है कि फैसल खान का वीडियो है या अमित सिंह का वीडियो है। हम आपको दिखा दें एक चीज, सुनिए, ये मेरे पीछे देखिए, आप दिखाइए, हम आपको दिखा, ये यहाँ देखिए, ये आप कैमरा मैन से बोलिए जरा फुल स्क्रीन करे, आप फुल स्क्रीन पे ही है। हाँ ये देखिए, ये फैसल यहाँ दिख रहा है, ये इसको लोग जो भी बोलिए आप, इनको फैजल खान कहिए, अमित सिंह कहिए, आप इन्हें खान सर कहिए, दिख रहा है? दिख रहा है, ये क्या पहने हैं? तो कंफ्यूजन क्यों? और यहाँ देखिए ये क्या है, क्योंकि ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति है। नहीं वो तो अच्छी बात है, हमसे सुनिए, आप हमसे कुरान की संस्कृति है, तभी मैं सरफराज सैफी राष्ट्रवाद कर रहा हूँ। फराज सैफी जी आप हमसे कुरान पूछिए, कुरान कहाँ से शुरुआत होता है? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप वहाँ से पूछिए, हमसे पूछिए, लेकिन आप साथ साथ हमसे ये भी पूछ सकते हैं कि मेरी बात सुनिए, ये हिंदुस्तान है, ये हिंदुस्तान की संस्कृति है कि हमारा या आपका ये जिसका मजहब हो वो हर मजहब की इज्जत करने की इजाजत देता है। जब हमारे ऑफिस में पूजा पाठ होती है मैं भी बैठता हूँ, उसमें कोई मुसलमान उसमें कोई ऐतराज नहीं है, ये सब हमारे देश की परंपरा है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब मिलजुल कर रहते हैं, ये भारत की संस्कृति है। सबसे बड़ी बात ये कि कंफ्यूजन जो हो रहा है वो कंफ्यूजन क्यों है? अच्छा एक चीज मुझे, एक हाँ, हमारे 10 मिलियन होंगे हम बता देंगे। ये तो फिर आप देश की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, इसका मतलब ये कहें हम? नहीं सर, हम बेवकूफ नहीं, मतलब आपको सिर्फ मतलब सिर्फ ये है कि आपको फॉलोअर्स बन जाएं, आपको सिर्फ फॉलोअर्स मिल जाएं, 130 करोड़ देश की जनता से कोई मतलब नहीं है आपको। हमने कब कहा कि हम नहीं बताएंगे सर? आप देखिए सर, आप भी हम बता रहे हैं कि हर इंसान को इस दुनिया में अभिव्यक्ति की आजादी है,
तो उसी आजादी, हम भी उसी संविधान को मानने वाले, हमारे में भी है। आप बात नहीं समझ रहे, अगर हम यहाँ बता देते हैं तो हम उनके आगे एक तरह का ये होगा कि झुक गए। अच्छा आप बात समझिए, हम आप ही के चैनल पे आके बता। ठीक है ठीक है, देखिए ये जो तस्वीरें मुझे बहुत कंफ्यूज कर रही हैं, क्योंकि मैं जो तस्वीरें हैं, क्योंकि आप इधर फैसल खान भी मुझे दिख रहे हैं, इधर आप मुझे अमित सिंह भी दिख रहे हैं, और बहुत अच्छी बात है, ये भारत की संस्कृति है। मुझे एक बात बताइए कि अगर मैं आपसे कहूं कि हनुमान चालीसा मुझे पढ़ के सुनाइए, क्या सुना सकते हैं आप मुझे? देखिए जबरदस्त हमको नहीं, जबरदस्ती नहीं, मैं तो आपसे बातचीत कर रहा हूं। हां देखिए जैसे हम लोग सुनिए बताते हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं वो कहते हैं कि ठीक है जाना ना, ठीक है तो यक करके बताना। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, अभी आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि आप मुझसे थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन आप पढ़ के सुनाने वाले थे, सुनाइए जरा पढ़ के आप मुझे। हिंदू धर्म का भी सुनना चाहते हैं, सुन लीजिए। ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेवम् ओम त्र्यंबकम् यजामहि सुगंधिम पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनम् मोक्ष मातृताम। तो क्या हम नहीं, नहीं, निकाल बहुत अच्छी बात है। देखिए ये हमारे भारत की संस्कृति है, और ये आप जिस भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं वो इस्लाम धर्म से ताल्लुक रखते की बात करता है। हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। मुझे जो लोग हमसे सर्टिफिकेट मांग रहे हैं कुछ दिन पहले यही बोलते थे कि हम कागज नहीं दिखा। खान साहब मुझे देखिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ राष्ट्रवाद के जरिए राष्ट्रहित में आपसे पूछ रहा हूँ, चूंकि लोग ये जानना चाहते हैं कि आप अमित सिंह जी। आप सवाल में आगे तो बढ़िए, आप मैं तभी तो बढ़ूंगा। अरे दोस्त जब आप मुझे जवाब देंगे मैं तभी आगे बढ़ूंगा जी, और आप आगे पढ़ते जी हम देते जाएंगे। और इसका तो जवाब दे दीजिए तभी तो आप इसको छोड़िए, इसको लास्ट के लिए तो रहने दीजिए ना, एकदम हिट पे बैठे। देखिए क्योंकि जो आपके फॉलोअर्स हैं चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो या दूसरे तरीके से हो, क्योंकि देश और दुनिया इस वक्त आपको देख रही है, आप जी हिंदुस्तान पर हैं, मैं सिर्फ आपके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको टाइम दिया है। आपकी बात हम सर आंखों पे रखते हैं, लोग हमें जो कहते हैं, देखिए हमारे दो नाम फेमस है जो आप बता रहे ना कि एक अमित सिंह एक फैजल खान। हाँ तो देखिए अमित सिंह तो एकदम गलत है, ठीक है समझदार के लिए इशारा काफी होता है, आप नेशनल चैनल पे बैठे अब इतना तो इसका मतलब आप फैसल खान है। ठीक है ठीक है फैसल भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और अभी रोजे का वक्त गुजरा है तो जाहिर बात है कि आपने रोजे भी रखे होंगे। जरूर चलिए माशाल्लाह। हम आपको बताते हैं मेरे क्लास में जो बच्चे पढ़ते थे वो खजूर लाके हमें देते थे रोजा खोलने के लिए, क्लास में जब पढ़ाते थे तो कहते थे सर आप रोजा खोल लीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छी बात। और हमारे ऑफिस में भी चूंकि मैं आप जानते हैं कि मैं मुस्लिम हूँ, हाजी नमाजी आदमी हूँ, मैं भी यहाँ खुजूर लाता हूँ, मेरे तमाम सहयोगी खाते हैं, तो ये हमारे भारत की संस्कृति है। इतनी कंफ्यूजन क्यों है सोशल मीडिया पर? आप तो इतने यूट्यूबर हैं, कंफ्यूजन किया उसको बोलिए ना, आप हमसे क्यों पूछ रहे हैं? आप तो सिंपल यूट्यूबर हैं, आप तो सिर्फ एक लिख देते कि साहब मेरा नाम ये है और मैं ये हूँ, इतनी देर क्यों लगी आपको बताने में? सर हम आपको कैसे बताए, मेरा दोस्त कोरोना पॉजिटिव है, वो वेंटिलेटर पे है, हम उसको मरता छोड़ दे कि यहाँ आके अपना नाम बताए कि मेरा नाम ये है, मरते छोड़ दे उसको, वेंटिलेटर पे उसकी सांसें नहीं मिल पा रही है। लगातार आप देश की बात करते हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन कुछ मुट्ठी भर लोग आपकी खिलाफत क्यों करते हैं? उनको देश से मतलब नहीं है। हमने जो ये खिलाफत करते हैं आप उनके मुद्दों को बताइए कि उनको किस बात का तकलीफ है, हम सबको खुश नहीं रख सकते हैं। हमारे लिए जो देश होगा हम वही करेंगे। अब कोई हमारे मुंह से कोई खास चीज सुनना चाहता है, अब जैसे इजराइल फिलिस्तीन है, अब कोई सोचेगा कि खान सर फिलिस्तीन के लिए बोलेंगे, कोई सोचेगा खान सर इजराइल के लिए बोलेंगे, अब हम तो देश के लिए बोलेंगे। जो देश का स्टैंड था हमने पूरा क्लियर किया। मेन मुद्दा तो ये है कि खान सर ने फिलिस्तीन का साथ क्यों नहीं दिया, वरना विवाद आज का थोड़ी है, हम तो पिछले 4 साल से खान सर ही कहलाते हैं, आज नहीं ये विवाद आ गया। बिल्कुल, अभी मैं आपका यूट्यूब पे जब आपसे बातचीत कर रहा था उससे पहले मैं रिसर्च कर रहा था, आपका एक बयान देख रहा था, 18-19 बच्चों वाला भी आपने बयान दिया था, टायर पंचर को लेकर भी बयान दिया था, ऐसे बयान क्यों देते हैं आप?
सर हमने किसको बयान दिया? हमने कहा पाकिस्तान की एक पार्टी है तहरीके लबैक, उसने अपने बच्चों को लाया और अपनी ही सरकार के खिलाफ कहने लगा फ्रांस को हटाओ। खुद पाकिस्तान में उस पार्टी के खिलाफ FIR हो गया, उसके 22 लोग जेल हो गए। जिसको पाकिस्तान ने जेल भेजा है उसके लिए हमको उठा लिया। हमने कहा कि वो पाकिस्तान के तहरीके लबैक पार्टी के जो लोग हैं वो लोग अपने बच्चे को क्यों लाए हैं भाई फ्रांस के? इनको क्या पता कि राजदूत का मतलब क्या होता है? उनको हमने बोला कि जाके पढ़ाई करो। हमने ये नहीं बोला कि 47 उठा के फिर वापस आ जाओ ताज होटल में बम फड़का दूं। हमने तो बस बोला पढ़ाई करो। और उन लोगों को बोला कि भाई तुम लोग 18-19 बच्चे कर लेते हो। आपको नहीं पता कि इमरान खान की 3-3 पत्नियां हैं? लेकिन खान साहब, क्या वो पत्नियों को अपने किस लिए आरती उतारने के लिए रखे हैं? लेकिन खान सर जो आपने बयान दिया, लेकिन सोशल मीडिया पे तो उसको बहुत अलग तरीके से मतलब निकाल लिए गए। सर अलग तरीके से निकाल लेगा तो इसका मतलब हम नहीं ना है अलग तरीके। आधा झूठ पूरे सच से ज्यादा खतरनाक होता है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि देखिए, एक बहुत बड़ा सीधी सी बात है, चूंकि आप इस्लाम मजहब को मानने वाले हैं, चाहे पाकिस्तान का मुसलमान हो, इसराइल का मुसलमान हो, या हिंदुस्तान का मुसलमान हो, या कहीं का भी मुसलमान हो, लेकिन आप तो सवाल सब पे उठा रहे हैं ना, चूंकि 18-19 बच्चों की बात कहके, टायर पंचर की बात करके, ये क्या संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, आपने ये सुना कि हमने मुसलमानों को कहा? हमने तहरीके लबैक पार्टी के बारे में कहा। इसका मतलब अगर हम भारत की किसी पार्टी को कह देते हैं तो मतलब पूरे एक समाज को कह देते हैं। अगर हम ये कह देते हैं बीजेपी को कुछ कह देते हैं तो इसका मतलब आप कहेंगे कि हम हिंदुओं को कह दिए। तो इसका मतलब खान सर मैं ये समझूं कि कुछ कट्टरपंथी आपके खिलाफ हो गए हैं। सर ये लोग खिलाफ बहुत पहले से थे। बात यहाँ ये नहीं है कि हमारा काम ये है, हम देश देखेंगे कि लोगों को खुश करने के। हम इस्लाम की इज्जत करते हैं, लेकिन इस्लाम के नाते अगर कोई ये कहे कि हम हर एक मुसलमान की इज्जत करें तो नहीं होगा। हम अब्दुल कलाम की इज्जत करते हैं, लेकिन ये अगर कोई कहे कि अजमल कसाब का भी करो तो कैसे करेंगे हम? बहुत बढ़िया, मैं आपकी इस सोच को सलाम करता हूँ और ये सोच हर हिंदुस्तानी की होनी चाहिए। लेकिन सबसे आप हमसे कहिए कि खान सर ने क्या इस्लाम की तौहीन की? हम आज भी कुरान, रोजा, अल्लाह, रसूल, हर चीज पर अकीदा रखते हैं, उनकी पूरी इज्जत करते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि इस्लाम और मुसलमान में बहुत का अंतर होता है। लेकिन खान साहब एक चीज सबसे बड़ी बात यह है कि कई तरीके के सवाल उठ रहे हैं, बैंक डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपके सवाल उठ रहे हैं कि साहब उसमें आपका नाम अमित सिंह है, उसमें क्या गलत बात है? ये सुनिए बता रहे हैं हमने लड़कों, जैसे अभी आप कैसे नाम के लिए इंसिस्ट कर रहे थे, हमने आपको खुल के बोला कि मेरा नाम यही है, नहीं ना? उसी तरह हम बच्चे भी हमसे इंसिस्ट करते हैं कि सर आपका नाम क्या है, हम बोल देते हैं मेरा नाम जालिम खान है। फिर कभी कोई जिद करता है किसी बैच में, कह देता है मेरा नाम जहीरुद्दीन है। किसी में हम बोल देते हैं कि मेरा नाम अमित सिंह है, लड़के जिद करने लगे तो हमने ये कहा कि लोग हमें अमित सिंह कह के बुलाते हैं। अब कोई इतना कम पढ़ा लिखा है कि उसको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि बुलाने में और कहने में अंतर है। बचपन में मेरी मम्मी हमको विष्णु कह के बुलाती थी, तो अब क्या हमको अब कोई कहने लगे विष्णु हो गए हम? वो कौन लोग हैं जो आपको ट्रोल कर रहे हैं? जिनको लॉकडाउन में खाली बैठे हैं, कोई काम धाम नहीं है, कर दो क्या उनसे कहिए ना जरा आके थोड़ा सा अपने चैनल पे फिजिक्स पढ़ा दे, बच्चों के लिए केमिस्ट्री पढ़ा दे, या फिर कोई टीचर ला। आपको विश्वास नहीं होगा कि हम पटना में जो मदरसा है या फिर जो गुरुकुल जो होते हैं वहां पे बच्चे पढ़ते हैं, हम उनसे कहते हैं बेटा तुम संस्कृत भी पढ़ो, आचार्य भी बनो, साथ साथ तुम चलो हम तुम्हें कंपटीशन भी पढ़ाते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री हिस्ट्री सब समझो। हम नहीं कर रहे, साथ में मदरसे के बच्चों को भी कहते हैं तुम भी आओ। जो होटल में लड़के काम करते हैं ना उनको कहते हैं तुम नाइट शिफ्ट में, इवनिंग शिफ्ट में होटल में हो, सुबह में आके पढ़ लो, और फ्री में पढ़ाते हैं। आप तो टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, आपके सामने दिक्कत क्या आती है? क्या वाकई में कुछ लोग आपको टारगेट करते हैं? सर कुछ नहीं, इन लोगों ने उम्मीद लगा के रखी थी कि हम फिलिस्तीन पर इनका साथ देंगे। हमने देश का साथ दिया और बताया कि देश इजराइल के साथ नहीं है, देश फिलिस्तीन के साथ है। बकायदा हमने हमारे राजदूत का उसमें वीडियो दिखाया, अटल बिहारी वाजपेयी के कोट किया, हमने बताया कि हमारी कुछ मजबूरियां हैं, इस वजह से हम चाह के भी इजराइल का साथ नहीं दे सकते फिलिस्तीन का। लेकिन इनका गुस्सा ये है कि हमने फिलिस्तीन को उस तरह से साथ क्यों नहीं दिया जिस तरह से हमें देना चाहिए। ये कहना चाहिए कि इजराइल पे अजाब नाजिल हो गया, ये कहना चाहिए कि इजराइल डरपोक है, कहना चाहिए कि इजराइल खत्म हो जाएगा, ये कहना चाहिए कि उसके यहाँ पे मिसाइलें खत्म हो गई इसलिए सीज फायर हो गया। जिस दिन हमारे दिन में एक रत्ती भर मेरे ख्वाब में भी इस देश के सिवा किसी का ख्याल आए तो आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो कोट याद है कि तुम मुसलमानों जिस मुल्क में रहना उस मुल्क से पूरी तरह से वफादार रहना। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। और मैं आपकी सोच को सलाम करता हूं और यही जज्बा
हिंदुस्तान के नहीं बल्कि दुनिया के मुसलमानों के अंदर होना चाहिए। सर हमें 107 करोड़ रुपए ऑफर कर रहे गए थे कि आप हमारे पास आ जाइए पढ़ाने के लिए, हम वो 107 करोड़ रुपए जिंदगी में नहीं कमा पाएंगे, हमने ठुकरा दिया। आज भी सर मेरा फीस 200 रुपए है, जिसमें से 18% जीएसटी, 30% इनकम टैक्स, 2% पेमेंट। 107 करोड़ रुपए कौन दे रहा था आपको? सर हम यही तो बता सकते हैं ना कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, आप समझिए। हम कोई बात नहीं, बताइए आप खुल के बताइए। चलिए ठीक है, आज भी सर हम 200 रुपए में पढ़ाते हैं, क्यों? क्योंकि हम चाहते हैं कि हर देश का तबका, हमारे देश में कोई अब्दुल कलाम बने ना बने लेकिन कोई अजमल का साहब ना बने। बहुत अच्छी बात है और होना भी नहीं चाहिए। दहशतगर्दी को हर मजहब मना करता है। बहुत बहुत शुक्रिया खान साहब आपका हिंदुस्तान से बातचीत करने के लिए।